गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा। बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोगों को डंपिंग एंड एंटी डंपिंग ये दो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, जो कि आपके एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलते हैं स्क्रीन पर, लेकिन उसके पहले आप मेरा एक संदेश सुनिए। बच्चों, इको पाठशाला पे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स गेट इकोनॉमिक्स 2023 एंड यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एंड इकोनॉमी जीएस के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बच्चों, तो चलते हैं, देखते हैं कि डंपिंग, सबसे पहले डंपिंग क्या होता है। बच्चों, डंपिंग के बारे में आपको बता दूँ, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट डंपिंग। आपने कई बार इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ये कंसेप्ट आपने सीखा होगा। बच्चों, डंपिंग बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है लोअर प्राइस पे, यानी दूसरी कंट्री में लोअर प्राइस से बेचता है, अपनी कंट्री में जिस प्राइस से बेचता है उससे लोअर प्राइस पे वो एक्सपोर्ट करता है। यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को, अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लोअर प्राइस बेचता है और डोमेस्टिक मार्केट में हायर प्राइस बेचता है। इसको आप कह सकते हैं बच्चों कि ये एक इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। दैट इज, इट इज द सिचुएशन वेयर अ प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट गुड्स एट लोअर प्राइस देन इट इज बींग सोल्ड इन द होम मार्केट। यानी होम मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में जिस प्राइस पे वो बेच रहा है उससे कम प्राइस पे वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है। बच्चों, मैं इसको लिख देता हूं। बच्चों, इट इज अ सिचुएशन situation where a producer sells its product at lower price at lower price in the international market than that of domestic market है ना। बच्चों, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस पे बेचता है than that of domestic market, मतलब domestic market में higher price पे और international market में lower price पे। इसे आप इस तरीके से, मैंने अभी बताया, इसे आप कहते हैं क्या, international price discrimination। ठीक है बच्चों, इसको हम एक डायग्राम से आपको पहले समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ये देखिए प्लीज, इसको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप पहली बार में ही इसको सीख जाएंगे। बच्चों, ये देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि पहली बार में ही आप सीख जाएंगे। यहाँ पे मोनोपोली वाला, हम मोनोपोली का कंसेप्ट ले रहे हैं। ये आपके पास क्या है बच्चों, AR है ना, और ये क्या है बच्चों, MR। मान लेते हैं कि ये सिंगल प्रोड्यूसर है जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं,
तो इंडिया में इसका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन होगा वो कितना होगा बच्चों? इंडिया में जो इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सिचुएशन होगा, इट विल बी लाइक दिस, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, क्वांटिटी ऑफ मोनोपलिस्ट इन होम इकोनॉमी. बच्चों क्वांटिटी ऑफ मोनोपलिस्ट इन होम इकोनॉमी एंड प्राइस ऑफ मोनोपलिस्ट, प्राइस ऑफ मोनोपलिस्ट इन होम इकोनॉमी. यहां पे क्या है बच्चों? कॉस्ट, प्राइस एंड रेवेन्यू. ठीक है, देख रहे आप लोग. अब ये कह रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में वो इस प्राइस पे बेच रहे हैं, इस प्राइस पे बेच रहे हैं और इतनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है और सेल कर रहा है. अब यदि इंटरनेशनल मार्केट, यहाँ तो मान लेते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में वो मोनोपलिस्ट है, लेकिन जब वो उस इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो उसे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, वो कंपटीशन फेस करेगा उसके इसमें, तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में उसको लोअर प्राइस पे यदि बेचता है तब. तो इंटरनेशनल मार्केट में मान लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में परफेक्टली कंपटीटिव है, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो इस प्राइस से बेचेगा. देख रहे हैं आप लोग, ये क्या हो गया बच्चों? प्राइस, प्राइस ऑफ या मोनोपोलिस्ट प्राइस एट इंटरनेशनल मार्केट, है ना बच्चों? इंटरनेशनल मार्केट. अब आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं बच्चों कि ये जो है, ये देखिए प्लीज, टोटल आउटपुट उससे कितना हुआ बच्चों? मोनोपोलिस्ट का जो टोटल आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ मोनोपोलिस्ट टोटल इतना हुआ. देख रहे हैं आप लोग, यहां से लेकर के यहां तक टोटल आउटपुट हो गया. इसमें से इतना जो है आउटपुट क्या हुआ बच्चों? वो डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है. किस प्राइस से बेच रहा है बच्चों? इस प्राइस से बेच रहा है. और जो बाकी बचा बच्चों वो किस प्राइस पे? वो इतना आउटपुट वो इस प्राइस से बेच रहा है बच्चों, यानी इतना वो एक्सपोर्ट कर रहा है. आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो इतना है बच्चों, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इतना पॉइंट है यहां से लेकर के यहां तक, वो क्या कर रहा है बच्चों? एक्सपोर्ट कर रहा है. ठीक है ना बच्चों, यहां वो एक्सपोर्ट कर रहा है. अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो इंपोर्टिंग कंट्री है, ये तो एक्सपोर्टिंग कंट्री है. मान लें कि इंडिया का कोई मोनोपोलिस्ट बाहर किसी कंट्री में लोअर प्राइस से बेचता है, तो उसके लिए, उस जो इंपोर्टिंग कंट्री है उनके लिए क्या अफेक्ट होने वाला है बच्चों? तो सबसे पहली बात यहां देख सकते हैं बच्चों, इनके लिए जो इंपोर्टिंग कंट्री के लिए, जो इंपोर्टिंग कंट्री है, फॉर इंपोर्टिंग कंट्री, फॉर इंपोर्टिंग कंट्री क्या होगा बच्चों? क्योंकि इंपोर्टिंग कंट्री में कम प्राइस पे बेच रहा है, तो वहां पे उनके फॉर्म जो वहां ऑपरेट कर रही है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में जो फॉर्म ऑपरेट कर रही है, यानी इंपोर्टिंग कंट्री में जो फॉर्म ऑपरेट कर रही है, उनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा. बढ़ेगा नहीं बच्चों? बढ़ेगा. सो फॉर इंपोर्टिंग कंट्री कंपटीशन विल इंक्रीज, है ना बच्चों? कंपटीशन विल इंक्रीज होगा ना बच्चों? वहां कंपटीशन इंक्रीज होगा. सो जब कंपटीशन इंक्रीज होगा, हो सकता है दो बातें हो सकती हैं. हो सकता है कि यहां पे जॉब लॉस हो बच्चों, जॉब लॉस होगा बच्चों. जॉब लॉस होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा बच्चों, और आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, जॉब लॉस होगा. हो सकता है कि वहां जो भी फॉर्म वहां प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको अब कंपटीशन, पहले तो इंटरनेशनल मार्केट से बिल्कुल क्लोज थे वो लोग, किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं था,
अब क्या है कि बाहर की कंट्री, बाहर से इंपोर्टेड गुड्स एट लोअर प्राइस पे आ रहा है, तो वहां पे हो सकता है कि उनका कुछ सेक्शन, क्योंकि डिमांड तो उतना ही है, हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन कुछ सेक्शन में उनका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहां पे ये देख सकते हैं बच्चों कि प्राइस भी यहां पे कम होगा, बच्चों प्राइस डिक्रीज होगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस डिक्रीज होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगा बच्चों, ये डेफिनेट सी बात है, क्वालिटी इंप्रूव होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगा बच्चों, होगा ना, डेफिनेट सी बात है क्वालिटी इंप्रूव होगा। अब हो सकता है ये सारी चीजें हो जाए, लेकिन यहां पे एक कंसेप्ट हमने दिया है बच्चों आप लोगों को, एक इंपैक्ट जॉब लॉस, ये देख सकते हैं बच्चों, जॉब लॉस एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब इसको काउंटर करने के लिए जो इंपोर्टिंग कंट्री की जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो क्या करेंगे, बता सकते हैं आप, वो एंटी डंपिंग मेजर्स यूज करेंगे, और एंटी डंपिंग मेजर में वो टैरिफ लगा सकते हैं, वो कोटा लगा सकते हैं बच्चों। सो एंटी डंपिंग मतलब कि जो बाहर से लोअर प्राइस से प्रोडक्ट आ रहा है उसको कम किया जाए, तो एंटी डंपिंग मेजर्स में आप, एंटी डंपिंग मेजर्स में आप ये देख सकते हैं बच्चों, एंटी डंपिंग मेजर्स, एंटी डंपिंग मेजर्स, मेजर्स में वो इंपोर्ट टैरिफ लगा सकते हैं बच्चों। अब हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जब आप जो इंपोर्टिंग कंट्री है उनमें क्या इंपैक्ट होगा यदि गवर्नमेंट इंपोर्ट टैरिफ, या फिर अदर वे राउंड हम कह सकते हैं कि एंटी डंपिंग मेजर लेती है, उसमें आज पहला डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट टैरिफ। देखिए प्लीज, तो एंटी डंपिंग में आप हम पहला आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट टैरिफ बच्चों, एंटी डंपिंग में इंपोर्ट टैरिफ पहला पॉइंट है बच्चों, इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ, टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ, ठीक है बच्चों, इंपोर्ट टैरिफ। अब इंपोर्ट टैरिफ में जब गवर्नमेंट इंपोर्ट टैरिफ लगाएगी तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए प्लीज, इसको डायग्राम से दिखा देंगे, और यहाँ पे जब मैं गेट के लिए पढ़ाता हूँ बच्चों, तो उसमें हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी मैथमेटिक्स लगेगा वो भी हम इम्प्लाई करते हैं, तो गेट का कंसेप्ट अलग है, और यूजीसी नेट का, चूँकि ये वाला जो वीडियो है आपको मैंने यूजीसी नेट के लिए बनाया है, इसलिए आप यहाँ पे हम न्यूमेरिक, वो आपके अलजेब्रिक, व्हाट यू कॉल, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देंगे हम, ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं जो इंपोर्टिंग कंट्री है, यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ देख सकते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि ये आपका डिमांड है, डिमांड इन इंपोर्टिंग कंट्री एंड सप्लाई इन इंपोर्टिंग कंट्री, एंड जब जब गवर्नमेंट किसी तरह का एंटी डंपिंग मेजर यूज नहीं कर रही थी, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया था उस टाइम, ये देखिए प्लीज, ये देख सकते हैं बच्चों आप लोग, ये आपके पास प्राइस इन, हम उनकी बात कर, हम इंपोर्टिंग कंट्री की बात कर रहे हैं, यानी पी स्टार इज इक्वल्स टू पी, अब यहां पे पी कौन सा हो गया, इंपोर्टिंग कंट्री हो गया, पी स्टार कौन हो गया, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी पी स्टार यहां पे आप देख सकते हैं, ये वाली कंट्री जो है जहां पे मोनोपोलिस्ट ऑपरेट कर रहा है
वो अब पी स्टार हो गया, जो पी है वो इंपोर्टिंग कंट्री का पी हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए प्लीज, अब आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है तो इतनी डिमांड है बच्चों, क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है, क्वांटिटी सप्लाइड इतनी है डोमेस्टिक मार्केट में, तो ये क्या हुआ बच्चों, इतना इंपोर्ट हो गया बच्चों, इतना इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब यदि गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग टैरिफ लगा दिया तो प्राइस तो बढ़ना है बच्चों, अब क्या हो गया, पी टी आ गया, डिमांड घटा बच्चों, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, क्वांटिटी डिमांडेड वन, लेकिन डोमेस्टिक में सप्लाई बढ़ेगी बच्चों, डोमेस्टिक में सप्लाई बढ़ेगी, अब आपके पास इंपोर्ट सिर्फ इतना का इतना ही रह गया बच्चों, अब सिर्फ इतना ही इंपोर्ट रह गया बच्चों, इंपोर्ट, और ये जो एरिया आप जो देख रहे हैं ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू है बच्चों, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब दूसरी तरफ देखिए कि गवर्नमेंट का जो, ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें वो करना चाहता हूँ इसमें, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ एंड जी, पहले जो कंज्यूमर सरप्लस था बिना गवर्नमेंट के एंटी डंपिंग मेजर के वो कितना था बच्चों, ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि एरिया एरिया बिलो द डिमांड कर्व अप टू द प्राइस, तो ये पूरा था, लेकिन जब एंटी डंपिंग लगा टैरिफ लगा तो कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ ए प्लस बी बच गया, जो सी वाला पार्ट है वो प्रोड्यूसर सरप्लस में इंक्लूड हो गया, डी जो है इसे आप प्रोडक्शन डिस्टॉर्शन कहते हैं, मैंने आपको कई जगह ये चीज़ें पढ़ाई है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, एफ जो है प्रोडक्शन डिस्टॉर्शन है, और ई जो है गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, बहुत आपकी यूज़फुल वीडियो मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आपके एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चों। तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।